तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन में वीडमेट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में वीडमेट ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो कैसे कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूं वीडमेट के बारे में, उसके सेटिंग्स को भी आपको बताऊँगा और इंस्टॉल करके भी आपको दिखाऊँगा। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं पवन कुमार एनसीसी यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और यहाँ पे जो भी मैं अपने फ़ोन में प्रोसेस करूँगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखकर समझ सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करके डाउनलोड वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने वीडमेट आपको डाउनलोड करके पहले ही बता दिया है कि कैसे आपको उसका लेटेस्ट वर्जन ऑफिशियल उसके साइट से डाउनलोड करना है ताकि आपके फ़ोन में कोई भी वायरस ना आ सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ वीडमेट का जो ऑफिशियल ऐप है, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि कैसे आप वीडमेट के ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हो वन क्लिक में, तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये मुझे इंस्टॉल करने के लिए दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए नोट इंस्टॉल कुछ करके दिखा रहा है तो आप जाइए उस ऐप को उड़ा दीजिए और उसके बाद से जाइए वो पिछला वीडियो देखिए, मैंने उसमें ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके करने के बारे में बताया है। तो वहीं से उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, तभी आपके फ़ोन में चलेगा। तो यहाँ पर मैं इस सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है मेरे फ़ोन में वीडमेट और मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपन वाला आइकन पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पे लिखा है वीडमेट ऑल योर फेवरेट इज हियर। तो यहाँ पे कह रहा है आपका जो भी फेवरेट है वो यहाँ पे है। तो देखिए अभी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर अभी मुझे जीरो दिखा रहा है। तो अभी ये जब प्रोसेसिंग होगा तो यहाँ पर कुछ नंबर चलेंगे और उसके बाद से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये नंबर चल रहा है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है बड़ी जल्दी। दोस्तों ये वीडमेट अब फास्ट हो चुका है, पहले कुछ समय लगता था पर अभी ये फास्ट हो चुका है। तो अगर आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में भी समय लग रहा है तो आप फिर उस ऐप को उड़ा दीजिए और लेटेस्ट वर्जन को ही डाउनलोड कीजिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, पूरा ए टू जेड जानकारी आपको दी है। तो वहीं से जाकर डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो आपका जो भी लैंग्वेज है उससे सेलेक्ट कर लीजिए जिस लैंग्वेज में आप वीडमेट को यूज करना चाहते हैं। तो मैं इंग्लिश में यूज करना चाहता हूँ इसलिए मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक बाहर आ चुका है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर वीडमेट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए वीडमेट मेरे फ़ोन में आ चुका है। तो मैं सबसे पहले वीडमेट पर क्लिक कर दिया हूँ और जैसे मैं वीडमेट पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होने लगता है। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। देखिए अभी ये स्टार्टिंग में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐप स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कुछ हमसे परमिशन अलाउ करवाने के लिए कर रहा है। तो हम यहाँ पे अलाउ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जो फाइल का था उसका परमिशन मांग रहा था कि आप जो भी डाउनलोड करें वो सेव कर सके। तो यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया है और यहाँ पे मैं इंटरनेट ओपन कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका सेटिंग दिखा देता हूँ कि इनमें क्या क्या सेटिंग है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग देखने को मिलेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम सेटिंग वाले ही ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलता है यहाँ पे वीडमेट क्यू के जो सर्च है इसे कैसे आप बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो सबसे पहले मैं इस पर आ जाता हूँ और यहाँ पर लिखा है कॉन्टेंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे कंटेंट सेटिंग करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप लैंग्वेज ऑफ वीडमेट, आप वीडमेट को किस लैंग्वेज का लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है, हम चाहें तो इसे यहाँ पे क्लिक करके बदल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे लैंग्वेज आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करके कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसे बदल सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पर आते हैं बैक और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आप किस जगह से हैं, किस कंट्री से हैं। तो हमारा यहाँ पर इंडिया देखिए सेलेक्टेड है, हम इंडिया से हैं तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्टेड है। अगर आप दूसरे कंट्री से होंगे तो दूसरा कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे एक नीचे है ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड, तो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी अडल्ट कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे आप ऑन करके ज़रूर रखिएगा, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। उसके बाद से मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पे डाउनलोड का, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने पर यहाँ पर सबसे ऊपर ही लिखा है डाउनलोड पाथ सेटिंग।
तो अगर आपका यहाँ पे फ़ोन में ज़्यादा जगह नहीं है, ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने SD कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ें आप डाउनलोड करना चाहें, गाना, वीडियो या फिर मूवी, तो यहाँ पे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं अपने चिप में। यहाँ पे मैं बैक आ जा रहा हूँ और पैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड ओनली इन वाईफाई। तो अगर इसे आप ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप डाउनलोड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वाईफाई से डाउनलोड होगा। उसके नीचे है मैक्स डाउनलोड टास्क, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम आप कितना डाउनलोड करना चाहते हैं एक समय में वो यहाँ पे आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हम 2 ही रहने देते हैं क्योंकि ये आगे से ही सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे फास्ट डाउनलोड ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे वाईफाई से कह रहा है कि आप 4 डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे जो 3G या फिर 4G या फिर 2G जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उससे यहाँ पे 4 डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे अगर आपका वाईफाई है तो अगर आप वाईफाई से अपना यहाँ पर फ़ोन चलाते हैं तो आप यहाँ पे 6 पर भी कर सकते हैं और फास्ट यहाँ पे ये डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसे हम रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग आपको नीचे भी देखने को मिलते हैं। इनमें से एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे नीचे दिख रहा है डाउनलोड सबटाइटल, तो यहाँ पे आप सिस्टम लैंग्वेज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लैंग्वेज चाहें वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उनमें जो भी चीज़ें आप डाउनलोड करेंगे उसके साथ सबटाइटल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड म्यूजिक क्वालिटी मीडियम है, हम इसे हाई पे भी कर सकते हैं और लो पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे है कॉपी लिंक डिटेक्शन, तो अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ YouTube में जाकर लिंक कॉपी करते हैं किसी वीडियो का तो ऑटोमेटिक वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आप उसे चाहें तो यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है शो हिडन फाइल्स, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन में जो भी हिडन फाइल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और देखने को मिलता है डाउनलोड कंप्लीट नोटिफिकेशन, तो इसे अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका फ़ोन में चीज़ें डाउनलोड हो रही होगी वो अगर पूरा डाउनलोड हो जाएगा 100% तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका जो भी फ़ोन में चीज़ें डाउनलोड कर रहे थे वो 100% डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर मैं बैक आता हूँ और यहाँ पर एक और ऑप्शन है नीचे पुश सेटिंग, तो यहाँ पे डेली पुश सेटिंग इसे हम रहने देते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऑन रहता है। यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है ऑनलाइन वीडियो क्वालिटी, तो आपका जो वीडियो चलेगा वो कितने क्वालिटी में ऑनलाइन चलेगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 360 है, आप यहाँ से 700p तक क्वालिटी में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे है कि आप प्ले वीडियो विथ तो इंटरनल प्लेयर है वो यहाँ पे ऑप्शन ऑन है और आप यहाँ पे चाहें तो मैक्स प्लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्ले वीडियो विथ इंटरनल सिलेक्ट है मेरा और यहाँ पे भी आपका वही सिलेक्ट होगा इंटरनल। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी देखने को मिलते हैं, इनमें से जो ऑप्शन है क्विक, जो आपने यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्विक सर्च, इसे बंद करने के लिए यहाँ पे एक क्विक सर्च वाला ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऊपर दिखाई देने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है नाइट मोड, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये नाइट मोड में चला जाएगा और यहाँ पे फिर से ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये फिर से वाइट मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वाइट थीम होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे सेटिंग देखने को मिलते हैं, एडजस्टमेंट ब्राइटनेस, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपने जब इस ऐप में आए तो आपका ब्राइटनेस क्या रहेगा। यहाँ पर मैं बैक आता हूँ और भी यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग हैं और यहाँ पे एक और सेटिंग है प्राइवेट फाइल, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें से आप जो भी चाहें वो चीज़ें यहाँ पे आप छुपा सकते हैं। तो यहाँ पे सेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे मैं पासवर्ड एक डाल देता हूँ और यहाँ फिर कंफर्म आपसे पासवर्ड पूछेगा, फिर से डाल दीजिए, OTP पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जो आपका स्टोरेज होगा उसे एनालाइज करेगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको वीडियो को जो यहाँ पर छुपाने का ऑप्शन है इस पर इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए कहेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पर आपका जो फ़ोन होगा उसे स्कैन करेगा और यहाँ पर इम्पोर्ट का यहाँ पर ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे वीडियो फाइल या फिर म्यूज़िक जो भी चीज़ें चाहें आप यहाँ पे इंपोर्ट करके उसे छुपा सकते हैं। मैं यहाँ पे छुपा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है लाइब्रेरी का, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने जो भी अब तक वीडियो देखा होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि आपने क्या क्या सर्च किया है, क्या क्या यहाँ पर वीडियो आपने देखा है। यहाँ पर मैं बैक आता हूँ
और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है नया, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट्स का, तो यूट्यूब का जो भी शॉर्ट्स होगा वो अब यहाँ पे भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो आपको ये टीचर सेटिंग आपको यहाँ पे बता दिए, और भी कुछ अगर सेटिंग होगा तो मैं आपको नया वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए।